ये तीन जो ग्लैंड के नाम इसने बोला है ना, ये ग्लैंड सच में एलिमेंट्री कैनाल को एसोसिएटेड ग्लैंड है। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं होती, एलिमेंट्री कैनाल के साथ में होती है। अब समझा? yes. यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम है क्या? यहां से लेकर यहां तक गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम है क्या? इंटेस्टिनल ग्लैंड का नाम है क्या? क्यों नहीं है? एग्जैक्टली उसका क्या होगा बोलो ना। सुनो, सेलेवरी ग्लैंड इंटेस्टाइन में होती है क्या? नहीं होती। लिवर में होती है क्या? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लिवर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैनक्रियास होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सेलेवरी ग्लैंड होती है? नहीं, बकल कैविटी के बाहर है ये। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, these glands, that is salivary gland situated just outside the buccal cavity, समझा? तो ये भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है। लेकिन फिर सेम क्वेश्चन करता हूं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये तीनों ग्लैंड में से कोई ग्लैंड होती है क्या? लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है क्या? यस। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड भी होती है क्या? तो अब ट्रू और फॉल्स बोलना। डाइजेस्टिव ग्लैंड की जगह पे मैं लिख रहा हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल, ट्रू और फॉल्स? ये है, ये समझाना था। समझा? yes. पक्का? yes. होता ये है कि हम ध्यान ही नहीं देते थे छोटी बात पे। एसोसिएटेड क्या है ये वर्ड? वो वर्ड ही तो सब कुछ है। वो वर्ड ही समझा रहा है कि कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन बाहर है। ठीक है, कुछ काम चल रहा है। इतना क्लियर है क्या? yes. सभी लोगों को? yes. पक्का? yes. अब हम वो ग्लैंड पढ़ेंगे जो एसोसिएटेड है, तो दैट इज उसके बाद दैट्स इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? तीन। ये बोल रहा है तीन पेयर्स होगी। कितनी पेयर्स? यस, तीन पेयर्स होगी। ओके, उसमें पैरोटिड होगी, वो चिक्स में होगी। ओके, फिर बोल रहा है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, कुछ भी बोल सकते हो, लोअर जॉ में होगी लेकिन वो। ओके, फिर बोल रहा है सब लिंगुअल, मतलब टंग के नीचे, बिकॉज लिंगुआ मतलब होता है टंग, लिंगुआ मतलब टंग। ओके, लिंगुआ मतलब टंग, इसीलिए सब लिंगुअल। फाइन, आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना, लेकिन ग्लैंड तीनों भी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, दीज ग्लैंड सिचुएटेड कहां पे? आउटसाइड दी बकल कैविटी, और बनाते हैं जूस। कौन सा जूस? सलाइवरी जूस या फिर सलाइवा। सलाइवरी जूस को सलाइवा बोलते ना। ठीक है, अब हम इसकी भी डायग्राम बनाएंगे। हमें मजा ही नहीं आता है कि नहीं? अब हम लेजी हो चुके हैं। यस और नो? यस। कौन पढ़े एक एक लाइन? डायरेक्ट डायग्राम छापते हैं ना, कुछ फोटो देखो। ये कौन सी कैविटी? अरे वाह, बकल कैविटी। हाँ है, बकल कैविटी है। इधर क्या रहता? ओके, फिर इसका कान यही रहेगा ना। ओके, ठीक है। एक ग्लैंड होती है, सुनो तो सही, ये ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड यहाँ पे अपने डक्ट के थ्रू ओपन हो रही है। ठीक है, एक और ग्लैंड है, लेकिन ये बकल कैविटी के अंदर रही टंग, और टंग के नीचे बनी ये ग्लैंड, और ये ग्लैंड की यहां पर डक्ट की ओपनिंग यहां हो गई, टंग के नीचे ही खुलती है। ओके, तो ये डक्ट और ये ग्लैंड। फाइन, और एक और ग्लैंड होती है, वो समझ लो मैं यहां बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये बन गई ग्लैंड, और ये ग्लैंड की डक्ट इधर लोअर जॉ में आके खुलती है। कुछ समझ में आया क्या? yes. पक्का? yes. अब देखो, आप ही बताओ मुझे,
ठीक है। ये ग्लैंड सबसे बड़ी दिख रही है, इसका नाम क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा था पैरोटिड ग्लैंड, चिक्स में होती है उसने बोला था। तो आपके कान के सामने आपका क्या है? ठीक है ना, गाल है ना? यस, गालों में होती है। तो ये क्या है? ईयर। ईयर सामने चिक्स, चिक्स के अंदर होगी ग्लैंड जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब तीनों ग्लैंड में से सबसे ज्यादा बड़ी ग्लैंड कौन सी है? कहां होती है वो? चिक्स में होती है। ओके, चिक्स में होती है, गालों में होती है हमारे। फाइन, वहां से एक डक्ट आ रही है, अपर जॉ में खुलती है, वो डक्ट का नाम है स्टेंसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट? स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट। और ये डक्ट कहां खुल रही है? अपर जॉ। इतना क्लियर है? फाइन, फिर दूसरी वाली ग्लैंड दैट इज सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। अब एक बात बताओ कि इसको सब मैंडिबुलर क्यों बोल रहे? बिकॉज ये लोअर जॉ के भी नीचे है और अपर जॉ के तो पक्का नीचे है। लोअर जॉ के नीचे, अपर जॉ के भी नीचे, तो इसीलिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नीचे है ना, इसलिए सब। समझा? पक्का? एवरीवन? वेरी गुड। इसके डक्ट को कहते हैं वार्टन्स डक्ट। व्हाट्स द नेम? वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट, ओके। ये वाली डक्ट है सब लिंगुअल डक्ट, है ना? डक्ट ना? हाँ, मैं हाँ मिलाने की बीमारी नहीं जा रही तुम्हारी। हाँ सर, ओके सर, डन डन, वो आप समझ लो सर। हाँ, सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? किसके नीचे है? टंग के नीचे है। और उसकी डक भी कहाँ ओपन हो रही है? टंग के नीचे। इसकी डक्ट का नाम, ये छोटी सी ग्लैंड की छोटी सी डक्ट जिसका नाम है डक्ट ऑफ रेविनस। वेरी गुड, डक्ट ऑफ रेविनस। समझ ला सेन? पक्का? एकदम पक्का? अब बताओ कितनी ग्लैंड है? पेयर में है, सिक्स नहीं है, तीन ही है, बस पेयर है। सिक्स मत बोलो, कितनी ग्लैंड है? लेकिन पेयर्स में है ना? ओके, पेयर्स में है। इनसाइड दी बकल कैविटी, आउटसाइड दी बकल कैविटी। अच्छा बताओ लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, लोकेशन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, बिलो दी जॉ, विच जॉ? यस, या फिर बोल सकते हैं बिलो दी मैंडिबल, क्योंकि लोअर जॉ को क्या कहते हैं? मैंडिबल। अपर जॉ को क्या कहते हैं? मैक्सिला। क्या कहते हैं? मैक्सिला। वेरी गुड, इसीलिए ऑल्सो नोन एज सब मैक्सिलरी, ऑल्सो नोन एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुआ मतलब टंग के नीचे होती है क्या? Yes. उसकी डक का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। बोलो, डक्ट ऑफ। वेरी गुड, उसके बाद में वार्टन्स डक्ट किसकी डक्ट है? कहां पे? कहां पे मतलब कहां पे ओपन हो रही है? लोअर जॉ। अपर जॉ में जो डक्ट ओपन होती है उसका नाम स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट। समझा? पक्का? ये समझा? आपने पढ़ा है कि एक ग्लैंड है जो चिक्स में होती है, यहां पे कौन सी होती है? कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। आपने देखा होगा एक डिसीज हो जाती है जिसके अंदर, यस, जिसके अंदर गाल ऐसे फूल जाते हैं, उसको गाल फुगी बोलते हैं, है ना? दैट इज मम्स। तो ये ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसीज याद आ गई, कौन सी? मम्स। समझा? यस। वैसे तो आप डिसीजेस वगैरह अलग से सेपरेट अलग चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी कोई है जो बता दे कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्स वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल डिसीज है? वायरल डिसीज। कौन सा वायरस? पैरामिक्सो वायरस। यस, इट इज अ वायरल डिसीज। टेंशन नहीं लेने का, दूसरे चैप्टर की बात है, ऐसे ही डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सुनो।
तीन डग दिख रही है, उनकी लोकेशन दिख रही है, तीन ग्लैंड दिख रही है, ओके, और इधर से एक गाल है, इधर से एक गाल है, तो दो ग्लैंड होगी ना, दो ग्लैंड होगी, दो होगी, तो पेयर्स में हो गए, लेकिन बकल कैविटी के अंदर नहीं है, कैविटी ये है, ये बकल कैविटी आपने बनाई, इसके बाहर है ना तीनों भी, क्या ये सब यहां दिख रहा है? तो हम डायग्राम बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे डायग्राम, नहीं बनाएंगे, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा किसको, हाँ कि बन जाएगी, बन जाएगी, देखो क्या किया हमने, ऐसे करके नाक बना दी, ऐसे कर दो, नहीं भी क्या तो चलेगा, ठीक है, फिर ये अपर लिप है ना, और ये वाला लोअर लिप, फिर ऐसे करके उसका चिन है ना, और चिन से फिर ये ऐसे अंदर, समझा, हो गया ना, और चुपचाप ये दोनों होठों के ऊपर से ये बन गई उसकी कैविटी, क्या नाम है, उसके अंदर बना दो टंग, है ना, टंग ऊपर से टांग दो ऐसे, नीचे से, नीचे से, फ्रेनुलम तो नीचे होता ना, फ्रेनुलम नीचे होता ना, ओके, और यहां पे कौन सी डक्ट, डक्ट का नाम सबविंगुअल है, बोरे टंग के नीचे कौन सी डक्ट, टंग के नीचे कौन सी डक्ट ओपन होती है, डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस किसकी डक्ट है, सबलिंगुअल ग्लैंड की, उसके बाद में फिर लोअर जॉ में और क्या होती है, लोअर जॉ में सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां ओपन होती है, फिर होती है सब, सब होती क्या, वो कौन सी डक्ट, कितना टाइम लग रहा है ये रफ डायग्राम निकालने में, चार बार रफ निकालो, चार बार रफ, देखो मैं तो कहता हूं, देखो इसको ना, इस ये अगर ये आप डक्ट निकाल रहे हो ना, तो डक्ट ऐसे भी मत निकालो, बस ऐसे कर दो, ये है डक्ट, हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है ना, और यह लिखना है ना बार बार, कौन सी डक्ट, वाल्टन्स डक्ट, कौन सी डक्ट, स्टेंसन डक्ट, ये कौन सी हो गई, वाल्टन्स डक्ट, ये कौन सी हो गई, डक्ट ऑफ रेविनस, वेरी गुड, देखो समझ गए, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ये तो क्लियर है ना, yes. एकदम पक्का है ना, गुड, yes. ठीक है, आ गए, अब आपको ये जितना भी है, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक हमने डायग्राम में बना दिया है, अब ये सब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये चीक में होता है, दिख रहा है, अच्छा इसको ये दोनों नाम है, ये भी दिख रहा है, ये लोअर जॉ में होती है, ये दिख रही है, दिख रही है, ये बिलो द टंग दिख रही है, अच्छा ये आउटसाइड दी बगल कैविटी दिख रहा है, ओके ठीक है, फिर दिखन दो, फिर अब क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड लार्जेस्ट है, तो फिर ज्यादा सलाइवा भी कौन बनाएगी, रॉन्ग आंसर, ज्यादा सलाइवा बनाती है लोअर जो के अंदर होने वाली सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ज्यादा सलाइवा, मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीटेड बाय सब मैंडिबुलर ग्लैंड, नॉट द लार्जेस्ट वन, पैरोटिड ग्लैंड नहीं बनाती, क्लियर है, पक्का, एकदम पक्का, पक्का, ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले, लीवर पढ़ने से पहले सलाइवा भी तो पढ़ लेते, क्योंकि क्या बनाता है वो, ये तीन ग्लैंड ने मिलके क्या बनाया, तो सलाइवा पढ़ो तो सही, फिर क्या होता है सलाइवा में, बोलो, सलाइवा में होता है ज्यादातर पानी, 99% पानी, 99.5% पानी, H2O, किसमें है, सलाइवा, ओके, उसके बाद पानी हो गया, और क्या होता, वेरी गुड, चलो ये बोल रहा है, इसको लिख लेते पहले, सलाइवरी, अब बोलो इसी को क्या बोलते हैं, यस,
इसी को क्या कहते हैं? और एक और नाम बोला, लाइसोजाइम। क्या कहते हैं इसको? लाइसोजाइम, ऑल्सो नोन एज डैश बैक्टीरियल एंटी, यस एंटी बैक्टीरियल। समझा? ओके, तो हम देख रहे थे सलाइवा और पढ़ रहे थे सलाइवा के अंदर क्या होता है। हमने देखा कि 99.5% या फिर 99% तो वाटर ही होता है, बाकी का क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जिसको हम प्यार से टाइलिन भी बोलते हैं। लाइसोजाइम ये क्या, इसको क्या कहते हैं? और बोलो ना, एंटी बैक्टीरियल। तो किसको कट करेगा फिर ये, किसको डाइजेस्ट करेगा? एंटी बैक्टीरियल है ना वो, तो बैक्टीरिया को कट करेगा ना, बैक्टीरिया को मारेगा ना। गुड, ठीक है, इतना क्लियर है? एकदम पक्का? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। अब सुनो, इसमें कुछ आयन्स भी होते हैं जैसे कि पोटेशियम आयन है ना, तो कम से कम बोलो तो सही। क्लोराइड आयन, अब ये क्लोराइड आयन जो है ना, दिस इज नथिंग बट दी कोफैक्टर। कोफैक्टर वर्ड सुना है? कोफैक्टर मतलब फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पता है किसका कोफैक्टर है? सलाइवरी अमाइलेज का। मतलब जब तक कोफैक्टर नहीं आता तब तक एंजाइम काम करते क्या? फंक्शनल होते क्या? नो। तो इसीलिए ये एंजाइम का जो कोफैक्टर है वो क्लोराइड आयन है, और क्लोराइड आयन ऑलरेडी सलाइवा में होता है। हमें खाना पड़ता है, क्लोरीन खाते फिर डाइजेशन चालू होता, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी होता है इसमें। समझा? देखो, और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है बिकॉज ज्यादा एडवांस हो जाएगा। जैसे कि थायोसाइनेट भी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है ना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके अलग अलग चीजें होती है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें एक्यूरेट वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, दैट्स ऑल। समझा? बस, दिस इज सलाइवा। क्या कहते हैं इसे? अब स्टार्ट करते हैं। पीएच क्या होता है? 6.8। पक्का? 7.8 होता है ना। 7.8 किसका होता है फिर? सुनो, ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये 6.8 पीएच पे ही काम करेगा, स्लाइटली अल्कलाइन पर। लेकिन एक और अमाइलेज होता है जो ये पीएच पे काम करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। मैं फिर बता रहा हूं, पहली बता रहा हूं, सुन लो। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इधर है पैनक्रियाज में, और ये इधर है बगल कैविटी में। ये कौन सा पीएच है? 6.8। ये कौन सा है? 7.8। तो अभी हम क्या पढ़ रहे? तो इसको मिटा देना ना। ठीक है, समझा? तो पीएच कितना है? मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है ना। यस बोल रहे, देखो स्लाइटली एसिडिक है। सबको यस बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, यस कुछ भी बोलो, यस सर है ना। देखो सब लोग मानसिक संतुलन में है ना, तो संपर्क क्षेत्र में रहो, ऐसे आउट ऑफ नेटवर्क मत हो जाओ। जैसे मैं पूछता हूं, यस, अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, रिफ्लेक्स एक्शन बना लिया है। रिफ्लेक्स एक्शन पता है? उसकी अगर हिंदी में डेफिनेशन होती तो ऐसे होती कि बिना सोचे समझे किए जाने वाली एक्शन, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपने भी वैसे कर लिया है। यस सर। अरे कुछ नहीं हुआ, शांत बैठो, ठीक है? ये देखो, यस सर, ठीक है, ठीक है। नो सर। यस सर। देखो अब पढ़ेंगे लिवर। क्या पढ़ेंगे? ओके, लिवर के बारे में सुनो। लिवर जो है ना, लिवर इज नथिंग बट द लार्जेस्ट ऑर्गन। वो भी कौन सा ऑर्गन? ग्लैंड। लेकिन को भी कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक मिनट, ये ज्यादा ही नहीं हो गए थे? एक एक करके पढ़ते हैं। मैं लिवर को ग्लैंड क्यों बोलूं?
वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है. कोई भी चीज कुछ अगर बना रही है, कुछ सिक्रीट कर रही है, तो उसको हम ग्लैंड बोलेंगे. अगर वो एक सेल क्यों ना हो, अगर एक सिंगल सेल भी हो ना, जैसे कि गोब्लेट सेल होता है ना, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है. तो एक सिंगल सेल है, अगर वो कुछ बना रहा है, ठीक है, तो वो ग्लैंड हो गया, है ना. वेरी गुड. तो ये ग्लैंड है, लेकिन ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना. तो इसने बनाया तो इसके ये सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, सिक्रीशन, सिक्रीशन बोलते हैं. वो जो भी बनाता है ना ग्लैंड, उसको बोलते हैं सिक्रीशन.